हरे कृष्णा। आज मैं जन्माष्टमी का प्रसाद बना रही हूँ कृष्णा के लिए। वो जो पंचपाक मेवा होता है वो बना रही हूँ। ये मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं, 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा वाला गरी है नारियल, 1 छोटा चम्मच काजू का है और इतना ही चम्मच मगज हैं खरबूजे के बीज, 1 चम्मच खसखस दाना, 4 बड़े चम्मच देसी घी, 2 बड़े चम्मच बादाम, 1 कप जो थोड़ा सा खाली था वो चीनी। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं पंचपाक मेवा बनाना। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, अभी मैंने 2 चम्मच ही डाला है। बादाम भूनेंगे, इन बादामों को मैंने काट लिया है और मखानों को भी काट लिया है छोटा छोटा। काजू डाल देंगे, बस ज्यादा नहीं भूनने। मखाने डाल देंगे, ये भी हम निकाल लेंगे। और मगज थोड़ा स्लो पे ही भूने। अब हम नारियल भी भून लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा। Thank you.
गैस बंद कर दी थी, अब ये थोड़ी सी खसखस भून लेंगे। बस हल्की सी भूनी है। बंद कर दी मैंने गैस, ये भी निकाल लेंगे। खसखस भी हम इसमें मिला देंगे। ये सब हमने एक जगह इसमें बाउल में इकट्ठा कर लिया। चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। गैस ऑन करेंगे। से हमने 2 चम्मच चीनी ली है, 2 कप चीनी ली है, ये वाला कप आप कटोरी वगैरह से भी नाप सकते हैं। और 1 कप में चाशनी, तब तक हम ट्रे में घी लगा लेंगे, ग्रीसिंग कर लेंगे। तार बनने लग गई है और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब ये ऐसे हो तो तार जैसा बनना चाहिए चाशनी में ना, यूं ऐसे। अब हम डाल देंगे। ट्रे में इसको तैयार है और इसको अब हम थोड़ी देर बाद काटेंगे। इसको काट तो अभी लेंगे, निशान लगा लेंगे, क्योंकि अभी और क्योंकि ये सूखने थोड़ा देर बाद ये
सूख जाता है तो फिर कटने में मुश्किल होती है, इसलिए अभी निशान लगा लेते हैं। लीजिए, ये हमारा पंचमेवा पाक बनकर तैयार है, काटेंगे। हरे कृष्णा।